माया था 2006 में आया था। अभी यहाँ पे थोड़ी ट्रेलर बताने को आया, 5 मिनट इससे पहले कहानी बोलता हूँ। अरे रूप ने पकड़ा हुआ। एक बार क्या हुआ, एक गेम चल रहा था फुटबॉल, एक साइड टीम थी इंडिया की और एक साइड टीम थी पाकिस्तान। अभी सोचो कैसे चलेगा। एक जगह पे इंडिया का कैप्टन जो बोल रहे अपने टीम वालों को, ऐसा किक मारना कि सामने वाले की छाती फूट जाए। कैसे भी करके कुछ भी हो, ये मैच हमें जीतना ही है। और यहाँ पे पाकिस्तान का टीम लीडर क्या बोला है, वो भी वही बोल रहे हैं, चाहे कुछ भी हो लेकिन इंडिया के सामने हारना नहीं है। दोनों मैच शुरू हो गई, दोनों टीम आ गई, मैच शुरू हो गई, मैच चल रहा है चल रहा है, एंड में पता चला गोल हुआ ही। देखो स्कोर क्या हुआ, 0-0। ऐसा क्या हुआ, तो मजे की बात थी कि बॉल पोस्टिंग नहीं था। दोस्तों 2006 से पहले मैं भी ऐसा ही कर रहा था, मेरे सामने भी कोई गोल नहीं था। मैं सीधा करता सुबह जाता था शाम को आता था, सुबह खाली जेब जाता था शाम को जेब भर के आता था, क्योंकि मेरा काम था क्या, खुद के ट्रैवल एजेंसी। सुबह खाली जाता, खाली खाली जेब करके जाता था, और दिन भर क्या करता था, काम करता था, पैसे जमा करता था, दिन भर आगे रहता। और क्या, मिसेस का भी जॉब था, वो सुबह चली जाती थी लासा एंड डुगरो, जाने का समय था आने का समय नहीं था। और क्या, छोटा बच्चा घर में था, उसको देखने के लिए मैं समय नहीं था, बस जिंदगी जी रही थी, गोल नहीं था। और ऐसे समय में एक देवदूत आ गया, नाम था मेरा दोस्त संतोष कसोलकर। ये ऐसा एक मौका है, एक ऐसी कंपनी है जिसके साथ तो अपने गोल बना सकता है, क्योंकि इससे पहले क्या करता है, इससे पहले हम लोग और एक कंपनी में काम करते थे, लेकिन वहां पे हम असफल हुए, असफल नहीं हुए थे, हम लोग असफल नहीं थे, कंपनी हमारे साथ सच्चा सही डील नहीं किया था। इसलिए क्या करते थे, वो कंपनी छोड़ के हम क्या करते थे, हम शाम के टाइम में दोनों मिलते थे और दादा स्टेशन के बाहर एक रेस्टोरेंट में बैठ के हमेशा हर दिन गप्पे गप्पे हटके। फिर वहां के किसी किसी को पता चलता था कि लोग कि यहाँ के दोनों बैठते थे, क्योंकि क्या बहुत नेटवर्क था उस वक्त, नेटवर्क जम्मू से लेके चेन्नई तक नेटवर्क खड़ा किया था उस कंपनी ने, तो लोगों को पता था कि हम लोग वहां पे बैठते थे। तो कुछ लोग आते थे बहुत सारे कंपनी लेके हमारे सामने, हम जो क्या करते, हम उनका प्लान लेके के लिए डिस्कशन करते थे और उसका रिसर्च करते, सर्च करते और उनको रिजेक्ट कर देते। फिर बाद में कुछ समय के बाद और कुछ लोग आए कंपनियां बनाने के लिए, बोल रहे कि अरे यार तुम्हारा इतना नॉलेज है तो एक प्लान बना के दो, एक कम से कम 5 साल के लिए प्लान बना दो, ताकि हम 5 साल काम करें, बाद में कंपनी बंद करके चले जाए। इतना नॉलेज हुआ था, समझ में क्या क्या करे। इतनी वो दोस्त ने बोला, चलो अभी हमारे सामने एक अच्छी कंपनी आई है, चलो हम करते हैं। और वो दिन था 21 जनवरी 2006, जुड़ गया। और जैसे बोलते ना कि पहले जो आते हैं सब क्या करते हैं, सब रिसर्च ही करते हैं, वैसे हमने क्या किया, नहीं अभी जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट ही कंजम्पशन करेंगे। एक साल तक मैंने प्रोडक्ट कंजम्पशन किया, 2006 से लेकर 2007 तक, क्योंकि ये देख लिया था कि कंपनी सही नहीं होती। एक साल तक पूरा हमने प्रोडक्ट कंजम्पशन किया। एक साल के बाद मेरे एक ऐसी घटना घटी कि एक बार क्या होता, मैं बोरली से आ रहा था दादा के तरफ, तो मैं एक दोस्त ने फोन किया कि मिलने के लिए, तो रसीफ से जब मैं आ रहा था तो वो दोस्त रहता था संता क्रूज में, सॉरी पार्ला में रहता था, तो फोन किया मैं उतर गया, हम दोनों बात के रेस्टोरेंट में बैठे, बाजू में होटल था आरके होटल, उसमें बैठे। और जैसे बाहर निकला तो क्या, वो बाहर ने उसे जेब से 2 बम निकाला, उसको अटैक आ गया, अस्तम आ गया। तो मैं बोला मुझे पता ही था किसको ये प्रॉब्लम है, तो मैंने क्या किया, मेरे जेब में हमेशा क्या बैग में क्या रहती, ब्लैक कॉफी, ब्लैक कॉफी निकाल के मैंने उसको दे दिया, बोला बेटा ले। तो
बोले क्या कर रहा है तू, इससे कुछ होता है क्या? मैं 7-8 साल से इसे पीड़ित हूँ, कभी कुछ इतना सा इतना पैसा खर्च किया कुछ नहीं हुआ, तेरे ऑफिस से क्या होगा? मैंने बोला कुछ नहीं होगा तो जिंदा तो रहेगा कम से कम, मरेगा तो नहीं, पीके तो देख। और उसने उस रात को पिया, उसको इतना अच्छा रिजल्ट आया, बंदे ने फोन नहीं किया, वो कॉफी का एक सैशेट ऐसे कैसे करके करके 4-5 दिन उसने चला दिया, और 5वें दिन खत्म हो गया, उसको फोन करना ही पड़ा। फोन करके बुला लिया, बोला आते समय काम करना, वो पैकेट लेके आना। पैकेट लेके क्यों भाई? अरे बोला तेरे कॉफी ने मुझे जिंदगी दी। और वो एक पॉइंट था, टर्निंग पॉइंट था। तो एक आखिरी एक स्टोरी बता रहा हूं, क्योंकि यहां पर आने के बाद क्या हो जाए कि हम बहुत सारा दिमाग लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं, अगर दिमाग नहीं लगाएंगे, दिमाग लगा के वो क्या होते खत्म हो जाते, जल्दी खत्म हो जाती। एक कहानी सुनता हूं, जैसे हम हमें हमारे संस्कृति है, संस्कृति हम देखते हैं कि महाभारत, महाभारत तो सब जानते हैं, महाभारत में यही हुआ था कि शुरू हुई थी महाभारत कहानी, अभी तैयारी शुरू हुई थी, तभी क्या हुआ था, श्री कृष्ण लेटे हुए थे, इतने में क्या आ गया, दुर्योधन जी आ गए और सर के पास खड़े हो गए, और बाद में कौन है, अर्जुन जी आ गए, वो पैर नीचे पैर के पास खड़े हो गए, अभी आ गए श्री कृष्ण साहब, श्री कृष्ण जी लेटे हुए थे, सोए हुए थे, उठने के बाद देखा तो पहली नजर उनके वहां पर गई, भाव दीजिए अर्जुन की तरफ, बोले पूछे, बोले क्या चाहिए? ये ऐसा बंदा, मैं पहला आया। अच्छा तू पहला है क्या, ठीक है बोल क्या चाहिए? तो अभी श्री कृष्ण बता दिया, देखो मैं तो युद्ध नहीं करूंगा, एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी सेना है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, शस्त्र नहीं चलाऊंगा, कुछ नहीं करूंगा। तो दुर्योधन क्या लगाया, दिमाग लगाया, क्या चाहिए? अब ये बंदा युद्ध नहीं करेगा, शस्त्र नहीं चलेगा, उसको क्या मेरा फायदा, मैं उसकी सेना लेता हूं। उसने सारी उसकी सेना ली, परिणाम क्या हुआ, पूरा कुल उसका क्या हुआ, खत्म हो गया। और यहां पर आने के बाद बहुत सारे लोग क्या करते, वही दिमाग लगाते, बराबर है, और क्या होते, दिमाग लगाते, ये ज्ञानवा कैसे बनाए, वाकई काम करता है क्या, कौन से लोगों पर काम करता है। डॉक्टर लीम ने अगर ये चाय कॉफी बनाई है, कुछ सोच समझ के बनाई ना, अगर वाकई बीमारी को लेते तो भी केमिस्ट था बहुत से थे, लेकिन लोग और सोचते, और लोग जो लोग सोचते नहीं ना, जो बोलते नहीं, जो दिया वैसा काम करेंगे, उसके लिए कहानी, कहानी है कि राम की कहानी सब जानते हैं, कि दूसरे दिन राजतिलक होने वाला था, और उस दिन शाम को क्या बोला गया कि तुम्हारा राजतिलक नहीं होगा, 14 साल के लिए वनवास, बराबर है। अभी क्या राम जी ने क्या बोला कि अरे ये कैसे, अभी अभी के समय होता तो क्या बोलते थे, ऐसे कैसे होगा, मैं क्यों जाऊं, वो तो पिताजी ने वचन दिया, मैं क्यों जाऊं, बराबर ऐसे होते थे ना। लेकिन राम जी ने क्या बोला, ठीक है, उन्होंने क्या किया, ज्यादा दिमाग लगा गया नहीं, काला काला चले गए, निकल गए, और परिणाम क्या लिखा, आज भी राम को क्या बोलते बोले थे, मर्यादा पुरुषोत्तम। ये आने के बाद क्या, दिमाग नहीं लगा, जो अभी इतने साल से चलता है, अब भी प्रोफेसर साहब ने इतना नॉलेज दिया है, इतने कंट्री में चला गया, क्यों दिमाग लगाने का, अब इससे क्या करने का, काम करने का टाइम।